श्रीकाल, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो हम देखने वाले हैं अटल वाजपेयी सर के बारे में। उनके कुछ वर्ड्स थे जो कि पाकिस्तान को लेकर थे, और वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हम वीडियो को देख लेते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको कैसा लगा। ऑल्सो मैंने व्लॉग भी अपलोड किया है विलेज का, तो आप वो भी देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, सो ज़रूर वॉच कीजिएगा। बाकी चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो लेट्स अटल। सिर्फ तीन अक्षरों वाला ये शब्द अपने आप में संपूर्ण है, ये बताने के लिए कि वो अपनी बात पर कितना अटल रहते थे। उनकी जुबान से निकला हर एक शब्द अटल हो जाता था। उनकी कलम ने हमेशा देश के हालत को कोरे कागज पर उकेरा है। कविताओं से अपनी भावनाएं कागजों पर उतारने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी अपनी कविताओं से ललकार दिया था। भारत के अभिन्न हिस्से कश्मीर को लेकर उनकी लिखी कविताएं आज भी लोगों को सुनकर गर्व होता है। उनके कविता संग्रह मेरी 51 कविताएं में लिखी उनकी कुछ पंक्तियां हैं। पाकिस्तान का जब से जन्म हुआ है, अमेरिका उसकी पीठ थपथपाता रहा है। सचमुच में देश का बंटवारा साम्राज्यवादियों की चाल थी। शीत युद्ध का सहारा लेकर और ये सोच करके पाकिस्तान साम्यवाद के विरुद्ध एक मोर्चा बनेगा, अमेरिका ने उसे शस्त्र दिए, समझौता किया। जब पहला अमेरिका का और पाकिस्तान का समझौता हुआ था तो देश में व्यापक रोष पैदा हुआ था। वो राष्ट्रीय संकल्प को प्रकट करती कविताएं, एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते हैं, जो पाकिस्तान से कहा गया है। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हितु अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए हैं, मां को खंडित करते तुमको लाज लाज। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे यह मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। अमरीकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो, 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे ये मत समझो, धमकी जिहाद के नारों से अत्याचारों से धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे ये मत समझो, हमलों से अत्याचारों से संहारों से भारत का शीश झुका लोगे ये मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष,
स्वतंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमरीका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा, एक नहीं दो नहीं, एक नहीं दो नहीं करोड़ों सौ समझौते पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं रुकेगा। अब एक और पुरानी कविता है, अटल वाजपेयी सर का वीडियो है जो कि बहुत ही जबरदस्त, और इस वीडियो में जाहिर सी बात है उन्होंने अमेरिका के साथ पाकिस्तान को रिलेट करते हुए एक डायरेक्टली एक मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि आजाद होने के बाद भी आजादी, मतलब कि हम लोग उस टाइम पर तो आजाद हो गए अंग्रेजों से, लेकिन फिर भी हम लोग आजाद नहीं है, एक्चुअली हम लोग अंग्रेजों के तौर तरीके पर ही चल रहे हैं, उन लोगों से उन लोगों की तरफ हमने आसरा उनका रखा हुआ है कि वो हमें कुछ देंगे। फिर उसमें ये भी कहा गया है कि जो कश्मीर के ऊपर भी बात की गई है तो कश्मीर जो है वो कभी भारत नहीं देगा, मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली ये बात कह दी। इससे आइडिया होता है कि मैंने अक्सर उनकी स्पीच भी सुनी है जिसमें वो हमेशा यही बात कहते आए हैं कि हम लोग कश्मीर किसी को भी नहीं देंगे, और मतलब कि वो कश्मीर के ऊपर हमेशा से ये बात कहते आए हैं। और मैंने एक बार उनकी स्पीच भी सुनी थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि कश्मीर जो है वो हम जो है वो किसी ने कहा कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान अधूरा है, तो उन्होंने बोला सिंध के बगैर जो है वो पूरा हिंदुस्तान अधूरा है, तो हमें सिंध दे दो। ओ माय गॉड, मतलब कि ये बात जब बोली तो वहाँ पर जो जो न्यूज़ रिपोर्टर थे वो तो खामोश के खामोश रह गए, हक्के बक्के हो गए कि भाई ये क्या हो गया, इन्होंने तो मतलब ये पूरा सिंधी मांग लिया है। तो खैर वो हमेशा से ही कॉन्शियस रहे हैं रिगार्डिंग कश्मीर, तो कश्मीर के बारे में जब भी उन्होंने बात की है तो इसी तरह से बात की है। तो खैर ओवरऑल यही कह सकते हैं कि काफ़ी वो कश्मीर को लेकर सीरियस रहे हैं और बात करते रहे हैं कश्मीर के बारे में, और मुझे लगता है कि अटल वाजपेयी सर जो हैं वो उस टाइम पर जो जो उन्होंने बातें बोली थी वो बातें आज के दौर में बिल्कुल सही हैं, और आज वही बातें हो रही हैं। अमेरिका की वजह से आज हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, मतलब कि आज हम कामयाब नहीं हैं, हम लोग डेवलप कंट्री नहीं हैं, हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो कि हमारे साथ ही सेपरेट हुई थी, जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, अच्छे खासे आगे निकल चुके हैं, हम लोग उनसे पीछे क्यों रह गए? इसका रीज़न ही यही है कि हम लोग दूसरों पर दूसरों के आसरे पे हैं, हम अमेरिका के आसरे पे हैं, हम लोग मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के आसरे पे रह चुके हैं। तो खैर आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी अमेरिका ने इमरान खान को हटा दिया, फिर हमारे यहाँ पर जो कहते हैं हमें वही करना पड़ता है, मतलब कि महंगाई अमेरिका का ही हाथ है पीछे महंगाई के भी, वो जब बोलते हैं एक महीने की बाद भाई महंगाई करो तो गवर्नमेंट को तो करना पड़ता है क्योंकि इन्होंने तो कर्जे लिए हैं, उधार लिया हुआ उनसे, फिर वो जो बोलते हैं ये लोग वही करते हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है अपने ऊपर, हम दूसरों पर डिपेंड हैं। तो उसके बाद फिर सऊदीया के ऊपर भी हम डिपेंड हुए हैं, मतलब कि हम लोगों ने कभी अपनी पहचान देखी ही नहीं, अपनी पहचान करी ही नहीं, कभी अपने ऊपर कभी झांका ही नहीं, जिसकी वजह से आज हम लोगों को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल मैं यही लास्ट में कहूँगी कि अटल वाजपेयी सर जो हैं उनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने उस टाइम पर जो बात कही वो उनकी सोच बहुत दूर की थी, उन्होंने उस टाइम पर जो बातें कही वो आज के इस वक्त को एक्सप्लेन कर रही हैं, मतलब आज वही चीज़ें ऐसा लग रहा है कि वो आज के दौर में बैठ के बात कर रहे हैं, आज की सिचुएशन देखते हुए बात कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है काफ़ी ओल्ड वीडियो है उनकी स्पीच है, लेकिन वर्ड उनके आज भी वही हैं, मतलब वही सब कुछ हो रहा है जो उनके वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैंने विलेज का व्लॉग अपलोड किया है ऑन साइमा पीरज़ादा चैनल पर, सो जरूर वॉच कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।